इस वीडियो में अर्जुन लाल शेट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है। हेलो नमस्ते, मैं हूं मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने देखो चैनल में। यह वीडियो अर्जुन लाल शेट्टी पर बनाया है। इस वीडियो में मैंने अर्जुन लाल शेट्टी से संबंधित उन बिंदुओं को शामिल किया है जो मुझे महत्वपूर्ण लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। राजस्थान में जन जागरण के अग्रदूत माने जाने वाले शेट्टी जी का जन्म सितंबर 1880 में जयपुर में हुआ था। अर्जुन लाल शेट्टी ने 1906 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की, जिसके तत्वाधान में जैन वर्धमान पाठशाला स्थापित किया। सन 1907 में अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की, जो 1908 ईस्वी में जयपुर स्थानांतरित कर दी गई। जयपुर के महाराजा ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। सन 1914 में उन्होंने निमाज हत्याकांड के सिलसिले में बंदी बनाकर पहले तो जयपुर कारागार में रखा गया, फिर उन्हें मद्रास की वेलूर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। काकोरी कांड के मुख्य आरोपी अशफाकउल्लाह खां को शेट्टी जी ने ही राजस्थान में छुपाया था। उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी जैसे शूद्र मुक्ति व स्त्री मुक्ति, एक नाटक महेंद्र कुमार भी लिखा व उसे मंचित भी करवाया। 12 दिसंबर 1912 ईस्वी को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंके जाने की घटना के पीछे रूपरेखा शेट्टी जी ने ही तैयार की थी। इस घटना के मुख्य आरोपी जोरावर सिंह बारहट शेट्टी जी के ही शिष्य थे। 22 सितंबर 1941 ईस्वी को अजमेर में उनका देहांत हो गया। विशेष बात, राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे अर्जुन लाल शेट्टी। वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल शेट्टी। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।